अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाजारों की, तो बाजारों में इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता पर क्या असर पड़ा है हम आपको दिखाते हैं। बढ़ती हुई सब्जियों के दाम में एक तरफ आम लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ सब्जियों के बढ़ते दामों से आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर रोजमर्रा की चीजों पर ऐसे दाम बढ़ते रहेंगे तो आम जनता आखिर क्या करेगी, कैसे अपने घर का बजट संभाल पाएगी। लोगों के घरों से प्याज और टमाटर जैसे गायब ही हो गया है। जो पहले लोग 1 से 2 किलो खरीद कर काम चलाते थे, तो वहीं अब 100 से 200 ग्राम लेने में भी सोचते हैं। बढ़ते हुए सब्जी के दामों को लेकर आम जनता से की बातचीत करने पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आलू और प्याज जो कुछ सब्जियों के दाम बढ़े हैं, इसमें कहीं ना कहीं बिचौलिए या भंसारियों का सिस्टम है। नहीं, इतना आलू के दाम अब किसान को बोने का समय आ गया है तो आलू के दाम बढ़ने नहीं चाहिए। आलू के दाम किसान अब स्टोर से निकाल के बाजार में खरीदता है तो वो घटने चाहिए। आलू 40 रुपये 50 रुपये किलो बिक रहा है, महंगी सब्जी है, तो कस्टमर पहले 2 किलो 1 किलो लेता था, वो पावर आधा किलो लेता है। महंगी सब्जी मिलती है, जैसे मिलती है वैसे हम लोग बेचते हैं। आलू महंगा है, प्याज महंगी है, भिंडी महंगी है, टमाटर 60 रुपये किलो है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए सत्येंद्र वर्मा की रिपोर्ट।